नमस्कारम, मैं आपको बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दो तीन सूचनाएं हैं। एक कि हमारे नाम से बहुत सारे लोग लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आप आइए, नित्यानंदम श्री जी का यहाँ क्लिनिक खुला है, वहाँ क्लिनिक खुला है, आपका इलाज करेंगे। आप बोलेंगे जी वो कैसे बोल रहे हैं लोगों को, नीचे कमेंट्स में बोलते हैं। कई बार कई लोग कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ देते हैं, उनको वो कॉल कर लेते हैं या वैसे ही कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐसा कोई भी कॉल आपको नहीं आएगा कि जिसमें मैं बोलूं या मेरी तरफ से कोई व्यक्ति बोले कि आप हमारे पास आइए, आपका हम इलाज करेंगे। आप ही जब ज़रूरत हो तो हमारे कार्यालय में कॉल करिए, हमारे कैंप्स की जानकारी, हमारे अगली गतिविधियों की जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। हमारा कार्यालय का नंबर है 7097979701, यानी ये कार्यालय का नंबर है। तो इस पे आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी कॉल करके, आप अगर योग शिक्षक बनना चाहते हैं या योग वैसे ही सीखना चाहते हैं, किसी बीमारी के लिए कुछ ऐसा, या खुद ट्रेनिंग लेकर के आगे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उपचार प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तरह की भी और जानकारी चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करिए। अदरवाइज़ आपको कोई कॉल आती है तो ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप कृपया सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, हालांकि परमात्मा सबको बरकत करे, उनको भी बरकत करे जो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको सद्बुद्धि भी दे कि कम से कम किसी के नाम को गलत प्रयोग ना करें। कोई भुला भाला व्यक्ति अगर फंसता है तो उसका जो नुकसान होगा, मुझे भी बहुत उसका दर्द होगा। तो इसलिए आप गलत, आपको कोई गाइड करता है ऐसे तो आप बिल्कुल भी उस पर मत जाइएगा। आप इस चीज़ का ध्यान, आप दूसरों को भी ये चीज़ बताइएगा। दूसरी बात ये है कि बहुत जल्द मैं आपको आकर के लाइव डेली, कोशिश यही रहेगी कि डेली नहीं तो कोई ऐसे फिक्स डेज में मैं आपको डेली योग की ट्रेनिंग, आयुर्वेद की और एक्यूप्रेशर आदि जो भी ऋषियों की विधाएं हैं उनकी ट्रेनिंग आपको मैं यूट्यूब पर ही लाइव दूंगा। डेली लाइव से ये होगा कि मैं एक समय रख लूँगा तो आपको लाइव मिलूँगा। उससे आप जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिन लोगों का सपना है, आ नहीं पाते हैं, हालांकि उसमें सर्टिफिकेट मैं कोई नहीं दूंगा, सिर्फ अपना शौक है कि चलो हमने सीख लिया। आप कितना परफेक्ट सीख पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कम से कम आप ना सीखने से अच्छा है कुछ ना कुछ आपको पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये बहुत जल्द मैं आपको बताऊँगा कि कौन से चैनल पर मैं लाइव आया करूँगा, इसका अभी डिसीज़न मैंने नहीं लिया है, बहुत जल्द डिसीज़न लेकर के आपको बताऊँगा। फिलहाल आपने, मैं मुख्य जो मेन मेरा चैनल है नित्यानंदम श्री, उस पर मैं लाइव आ रहा हूँ हर शनिवार शाम 7 बजे। तो नित्यानंदम श्री चैनल पर मैं लाइव रहता हूँ शाम को 7 बजे शनिवार, और फेसबुक पर लाइव रहूँगा मैं शाम 7 बजे रविवार को। एवरी संडे कोशिश यही रहेगी कि हर रविवार मैं आपको लाइव मिलूँ फेसबुक पर शाम 7 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। और इसके अलावा एक खास और ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुँचानी थी वो ये कि मैं जो हमारा आश्रम है आनंदम आयोग आश्रम, तो इसमें मैं अब लाइब्रेरी को सेटअप कर रहा हूँ कि इसमें बाकी चीज़ें तो रेडी हैं, लाइब्रेरी थोड़े अधूरी थी। तो लाइब्रेरी में मैं चाहता हूँ कि प्राचीन ग्रंथ किताबों का कलेक्शन करूँ, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। पर आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास घर में आयुर्वेद से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, हमारे पुराने ऋषियों का कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक जो कि वैलिड है, मान्य है, किसी तथ्य पर आधारित है, किसी अच्छी वो नॉलेज पर आधारित है, चाहे वो ऋषियों के ऊपर, संतों के ऊपर, कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई पुस्तक ग्रंथ है, तो आपके काम का अगर वो नहीं है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप वेस्ट है आपके लिए और आप रद्दी वाले को देना चाहते हैं तो वो ना दीजिएगा। वो आप हमारे आनंदम के एड्रेस, जो कि स्क्रीन पर आप एड्रेस देख रहे हैं, इस एड्रेस पर आप उसे भेज सकते हैं। अगर आप समर्थ रखते हैं तो आप उस पर टिकट लगा सकते हैं स्पीड पोस्ट का या डाक का। अगर आप समर्थ कम है या आपको लगता है कि मैं क्यों इसमें अपना खर्च करूं, तो आप सिंपल पैक करके आप उसको भेज सकते हैं। जो जो भी उसका शुल्क रहेगा वो मैं खुद भी ले लूँगा उसको। तो आपको ये जानकारियाँ मैंने देनी थी, मेरे मन में था कि ये अनाउंसमेंट्स आप तक मैं पहुँचाऊँ। आप मुझे बताइएगा भी कि कौन से दिनों में आप
योग की लाइव ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, कौन सा टाइम मैं रखूं, कौन सा दिन रखूं, हफ्ते में कितने दिन रखूं, ये सारी आप मुझे नीचे कमेंट्स में जानकारी दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द इस पे कुछ स्टैंप लगा के आगे बढ़ सकूं और आप सबको ये चीज़ें बांटने में अपना और ज़्यादा मैं पुरुषार्थ कर सकूं। आप सबने मुझे अब तक सुना, इसके लिए आपका आभारी हूं। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कारम।